आगे बीच खेला जा रहा है, स्ट्राइक पर होंगे। अमन नान स्ट्राइक पर है, सुलेमान बॉलिंग वहां पर है, बॉर्नर देखते हैं क्या करता है अपनी टीम के लिए। और ये पॉइंट के सामने खेल के ये लगा बिजनेस से सत्र में प्री पिस्ट्रिया का भी शानदार चौका निकलता हुआ हारन के बल्ले से। अमन फिर से शायद चली गए काफी छोटा लगा, यह मैच 6-6 बोल के खेला जा रहा है। अंपायर कह रहा है सर्वे मान्य होगा, अंपायर से कोई भी जीजी कहेगा तो 15 रन का लिया जाएगा, चाहे भिक्षा का हो चाहे मुगरा का हो। फिर से सुलेमान और ये लेग साइड दिशा में खेल दिया है दौड़ के दोनों बैट्समैन, एक रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग कही जाएगी सुलेमान और अमन द्वारा। और ये देखते हैं क्या होता है, अंपायर के अंदर फूल भी ताजा नहीं होता, कोशिश करते रहोगे तो जान जाओगे, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। फिर से शाहिद की अगली गेट आशीष के लिए राइट हैंड के मैच देखते हैं, और ये बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, सीधा कीपर के हाथ में जा पहुंची गेट। इसी के साथ एक ओवर के समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा बिछियागंज का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कोटे का पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर लेगा एप्टन, सामना करेंगे सुलेमान, काफी शानदार बॉलिंग कही जाएगी पवन की। फिर से पवन की अगली गेंद और ये लेग साइड के सामने खेल रहे हैं, दो भेड़ों के बीच निकलती हुई दंड आती हुई 4 रनों के लिए, काफी शानदार चौका निकलता हुआ सुलेमान के बल्ले से। फिर से पवन की अगली गेंद और ये दौड़ का दोनों बैट्समैन, एक रन पूरा कर लिए, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा बिछियागंज का 11 रन। और ये आशीष बैटर खेल दिया सीधे सीमा रेखा के पास 6 रनों के लिए, और ये आशीष को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा, काफी निराश हो चुके आशीष, काफी शानदार बॉलिंग कही जाएगी पवन की। फिर से क्या देखते हैं क्या होता है, कहा भी नहीं अच्छी फील्डिंग कही जाएगी मोरा की। दूसरा सुलेमान नान स्ट्राइक पर है इरशाद, और ये देखते हैं क्या होता है, अच्छी बॉलिंग कही जाएगी पवन की। इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा बिछियागंज का 12 रन। यह मैच 6-6 ओवरों का खेला जा रहा है जिसमें 4 बॉलर अनिवार्य हैं। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। फिर से शायद के अगली गेंद देखते हैं क्या होता है, काफी जोर। फिर से इरशाद लेग साइड के सामने खेल दिया है दौड़ का दौड़ बैट्समैन, एक रन पूरा कर लिए। मुकाबला शाहिद के अगली गेंद काफी छोटा रन आप सुलेमान के लिए, उतनी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी उमरा की। इस समय बैटिंग कर रहे हैं इरशाद और सुलेमान, उठाकर खेल दिया है, देखते हैं क्या होता है। रन का चांस कोई नुकसान नहीं, को रही कोई रन नहीं, काफी शानदार बॉलिंग कही जाएगी शाहिद की। फिर से देखते हैं क्या होता है, दो फील्डरों के बीच निकलती हुई चंद्राती हुई 4 रनों के लिए, काफी शानदार चौका निकलता हुआ इरशाद के बल्ले से। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से शाहिद की अगली गेंद काफी छोटा रन आता है, और ये देखते हैं क्या होता है, फील्डर मौजूद, ज्यादा फील्डर के हाथ में जा पहुंची गेंद, दौड़ का दोनों बैट्समैन एक रन पूरा कर लिया, काफी शानदार रनिंग कही जाएगी इरशाद और डाल लिया जाएगा चाहे बिछिया का हो चाहे मुगरा का हो। इसी के साथ दौड़ का दोनों बैट्समैन एक रन पूरा कर लिया, अच्छी रनिंग कही जाएगी सुलेमान और बॉक्स के अंदर से कोई भी अगर लाइन पर से जो आएगा तो नो बॉल कार्ड दिया जाएगा अंपायर का। क्या है बाकी है, काफी शानदार चौका निकलता हुआ सुलेमान के बल्ले से, राइट हैंड के बैट्समैन सुलेमान और इरशाद, और ये देखते हैं क्या होता है। रियासत के अगली गेंद देखते हैं क्या होता है, और यह अंपायर की सर 4 रनों के लिए, 2 फील्डरों के बीच निकलती हुई दंडराती हुई 4 रन 29 रन 14 ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर।
जब आप कप्तान ऐसी फील्डिंग करोगे तो आप और प्लेयर क्या करेंगे। इसी बीच अगली गेंद शाकिब के लिए देखना शाकिब क्या करते हैं। अरे बगर खेल दिया फिर इसी दिशा में कप्तान शाहिद के पास मुश्किल दूसरा पूरा करना चाहते हैं और ये कर भी नहीं कर पाए और ये आउट रन आउट रन आउट में। इसी बीच अगली गेंद नबी सरोवर की और शाकिब कट कर रहे थे बीट हुए साथी खिलाड़ी भाग चुके थे नॉन स्ट्राइकर लेकिन मना किया शाकिब ने सुरक्षित क्रीज में और अगले गेंद नबी सरोवर की शाकिब के लिए बढ़कर खेल दिया है उसे फिर स्ट्रेट की तरह शानदार फील्डिंग एक रन पूरा किया दूसरा भी पूरा करना चाहिए कर लिया बगल से ही रन चुरा लिया काफी खराब फील्डिंग कही जाएगी मुंद्रा की और यह टोटल है 67 रन और सत्यजीत। फिर से सुलेमान के अगली गेंद पहली ही गेंदों पर पहला ही विकेट गिरता हुआ भी लंबे लंबे चौके लगाने होंगे। राइट हैंड के बैट्समैन शाहिद देखते हैं क्या होता है उतनी ही अच्छी कीपिंग कही जाएगी अमन के द्वारा
काफी छोटा रन है सुलेमान का, इसे बैट्समैन को समझ में नहीं आ रही है कि कहां जा रही है। राइट हैंड के बैट्समैन शायद स्ट्राइक करेंगे, शायद मैन स्ट्राइक पर है कौन। फिर से सुलेमान के अगली गेंद, मौजूद काफी मिस फील्डिंग होती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर चारने के लिए, काफी शानदार चौका निकलता हुआ साहिब के बल्ले से। अगर यह मुकाबला जीतना होगा तो मोरा को हर रन बनाना होगा। फिर से सुलेमान के बैट्समैन देखते हैं क्या करते हैं आज भी टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर अगर हमारी आवाज फाजिर भाई के पास जा रही है तो ये जो सामने से दर्शक दिख रहे हैं उनको थोड़ा साफ कर दें। सीधा सीधा सॉरी अंपायर कैसा आउट, काफी शानदार कैच पकड़े सर्वर। राइट हैंड के बैट्समैन और ये देखते हैं क्या होता है, काफी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी बिछियागंज की। फिर से साकिब कोटे का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं साकिब। साउंड के पास जो कोई भी दर्शक हो दूर हो जाए क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होता है। साउंड के पास से आप लोग दूर हो जाए थोड़ा दूर जाकर मैच देखे, साउंड के पास से हट जाए, साउंड के पास जो कोई भी हो निमरा की टीम को दूर हो जाए। और अगले जो बाल बाल आउट होने से बचे, काफी शानदार गेंदबाजी साकिब के द्वारा दूसरा ओवर नबी सरवर के लिए खेल दिया है। इस गेंद को फील्डर के पास एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, इसको इस एक रनों के साथ बढ़ता हुआ आठ रन। कप्तान साहिब के लिए और बहुत स्टंपिंग का चांस था लेकिन मिस किया बॉल के रूप में साकिब के नबी सरवर के लिए। और ये खेलना चाहते पूरे तरीके से बीच से बचे और अगली गेंद नबी सरवर के लिए क्लीन बॉल कर दिया उनको गेंद समझ नूरू। और अगली गेंद कप्तान साहिब को बीट कर दिया, रन लेने के लिए भागो साहिब ने मना किया, मान लिया कि मैच जीत जाए लेकिन कुछ नहीं हो सकता। और अगली गेंद खेल दिया सीधा रॉकेट शॉट लेकिन शानदार फील्डिंग, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया और स्ट्राइक करा चुके हैं अरमान। देखना है क्या करते हैं अरमान, और बीट हुए उनको गेंद दिखी ही नहीं आउट के फील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर उस्मान और नुमान पर। इसी बीच अगली गेंद और ये साइड की तरफ और तरह तरह में पूरा किया, दूसरा पूरा करना चाहे थे लेकिन देखना क्या करते कप्तान साहिब। और ये साइड की तरफ नो बॉल, एक अगली गेंद देखना क्या करते हैं और फिर बीट हुए एक उनको दिखी नहीं, ऐसा लग रहा है वो समझ गई है काफी चोरी कहाँ जा रही है। शानदार विकेट कीपिंग कीपर के द्वारा और अगली गेंद बैटर खेल का फील्डर के पास से के पास से मुश्किल हुई लेकिन कैच बॉलर के और सुलेमान की गेंद का सामना करने के लिए विशाल आखिरी अपने प्रतिभा क्लीन बॉल कर दिया, क्लीन बॉल कर दिया विशाल को सुन तौफीक। देखना है कि क्या करते हैं तौफीक सुलेमान की गेंद का टूटे का आखिरी ओवर लेकर सुलेमान खेल दिया है एक रन आसानी के साथ। एक एक रनों के साथ उनकी पारी धीरे धीरे आगे बढ़ते, इसी बीच अगली गेंद कप्तान की कप्तान को और एक खेल दिया सीधा स्टेट की तरफ, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। देखना है क्या करते हैं और ये अगली गेंद फिर खेल दिया इसे साइड की तरफ, मारना चाहिए लेकिन शोर डाल दिया शाकिब ने, दर्द शानदार फील्ड किया, एक और रन मिलता हुआ और स्ट्राइक पर आ चुके हैं शाहिद और क्लीन बॉल कर दिया कप्तान ने दूसरे कप्तान को। पांच विकेट सुलेमान ने और पांच विकेट ले लिया, देखना है जाफर क्या करते हैं सुलेमान की गेंदों का। अरे सुलेमान के जाफर को और ये शानदार गेंदबाजी बॉल करना चाहिए लेकिन गेंद खेल दिया उसे पॉइंट की तरफ, एक और रन पूरा कर लिया इसी बीच ओवर की समाप्ति। इसको ओवर करता हुआ 17 रन चार ओवर के समाप्ति पर, अभी भी दो ओवरों में उन्हें बहुत रन चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है। और ये अगला ओवर लेकर आए हैं पहले बॉलर ने साथ साथ जाफर के लिए और जाफर ने इसे आप सारी तरफ कोशिश किया शाकिब के पास एक रन, देखना क्या करते हैं इसी रनों के साथ
और सात की ओर का सामना करने के लिए तैयार होते हुए बैट्समैन ने और खेल दिया सीधा फील्डर के पास और चार रन क्योंकि बाउंड्री पे आकर उन्होंने फील्ड किया था बाउंड्री हाँ बाउंड्री में आकर फील्ड किया था भाई चार रन है तो चौका मिलता हुआ बुमराह को बैट्समैन और फिर खेल दिया लेग साइड की तरफ तौफीक ने पहला बाउंड्री लगाया था और स्ट्राइक पर आ चुके हैं जाफर और जाफर ने खेल दिया उसको सीधा एक रन और अंपायर जरा ध्यान दे कि गेंद कहाँ जा रही है क्योंकि एक एक रन बहुत बेशकीमती अंपायर दोनों अंपायर और अगली गेंद मारना चाहते बीट हुए रन लेना चाहे तो लेकिन कीपर ने थ्रो मार के रन आउट कराए बिछियागंज की तरफ से साजिद और नए बल्लेबाज चित्र सेन देखना चित्र सेन क्या करते हैं और बेहतर खेल दिया शानदार चौका काफी शानदार पहले बल्लेबाज ऐसे मुंगराल के हैं जो इतना खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे पादरी के साथ मैं तो कह रहा हूँ मुंगराल कप्तान पर उनका ओपनिंग भेजना था ये उन्होंने कहा इनको छुपा के रखा था तो नायाब खजाने को और अगली गेंद फिर खेल दिया है सीधा फील्डर के पास काफी बहादुरी भरा साथ लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग सलमान के द्वारा और उनकी बहादुरी का अंत होता हुआ और ये आखिरी जोड़ी मैदान पे उनका स्थान लेने गए हैं आखिरी बल्लेबाज करना फैजान देखना फैजान क्या करते हैं और सफर और कितना फैजान क्या करेंगे और खेल दिया सीधा शानदार छक्का के लिए शानदार छक्का मारकर पारी का अंत मुंगराल की टीम इस मुकाबले में हार गई और सलमान ने 5 विकेट लिया पहला पंजा खेला अपनी टीम के लिए और बिछियागंज विजय हुआ आगे के लिए